हम आपसे कह रहे हैं कि भाई इतने सारे लोगों के सामने, सारे कैमरे के सामने जो है, हम आपको एक दिन का और मोहलत दे देते हैं। कल तक आप हटा लो कागज पत्र, जो आपको देखना है देख लो, वकील से समझना है समझ लो, उसको मैं रोक रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप साथ में सामान भी हटा लो। परसों हम लोग आएंगे तो फिर बातचीत भी। सिंह, आप देख रहे हैं शौर्य न्यूज इंडिया। इस वक्त हम वाराणसी के चांदवारी इलाका में मौजूद है। वाराणसी वही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र कहलाता है। वाराणसी वही जो यूपी का एक एरिया है। वाराणसी जो सबसे प्रसिद्ध और फेमस नाम है। और आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो कि वादा करते हैं भूमाफियाओं का सफाया करने का, जो कि वादा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में माफिया नहीं रहेंगे और बुलडोजर चलाने का दावा करते हैं, आज उन्हीं के इस प्रदेश में जो गरीब लोग होते हैं उनके साथ जो है कि गलत तरीके से जो है कि अवैध कब्जा किया जा रहा है। बीडीए और भूमाफियाओं की मिली भगत से उनका पहले का जमीन रहा है और जमीन जो है कि अपने नाम पर कब्जा करके जमीन को खाली कराने की बात कर रहे हैं। लगातार घर पे आकर बोलना और साथ ही यह भी कि घर गिरा देंगे, जगह जो है कि साफ कर दीजिए, यहाँ से हट जाइए, तमाम तरह का धमकी देना, यहाँ पर आकर के लोगों को प्रताड़ित करना। और यहाँ पर जो लोग हैं, जो परिवार है, उनसे आइए जानते हैं और भी क्या उनकी शिकायत हुई है, क्या उन शिकायत पर जो है कि कोई एक्शन लिया गया है या नहीं लिया गया है, जिस तरह से सरकार वादा करती है क्या निभाया है नहीं, वह आप इस केस को देखकर साफ तौर पर समझ सकते हैं। बीडीए और भूमाफिया के मिली भगत से वाराणसी में जमीन पर किया जा रहा अवैध कब्जा। सीएम योगी के दावों को तार तार करता वाराणसी का विकास प्राधिकरण जाली दस्तावेज बनवाकर पीड़ित परिवार का जमीन हड़पने की जा रही कोशिश। पीड़ित परिवार ने बीडीए पर लगाया गंभीर आरोप। डर के साए में जी रहा पीड़ित परिवार। आपको बता दें, जमीन खाली करने एवं दुकान तोड़ने का देते हैं धमकी। बीडीए ने फर्जी तरीके से अपने नाम किया पीड़ित परिवार का जमीन। लालपुर, मीरापुर, बसही, चांदमारी बाजार, परगना, शिवपुर, तहसील सदर जनपद वाराणसी का है ये मामला। नहीं, उद्देश्य है प्राधिकरण का कि हम अगर सामान को तो आप लोग अपना सामान हटा लो, ठीक है ना। जो हम लोग अपना इसको कब्जा लेना चाहते हैं हम लोग ले लेंगे। आपको जो कागज दिखाना होगा, लड़ना होगा हमसे, कोर्ट तक चाहिए जाना होगा, आप लड़ो, इसमें हमें कोई दिक्कत। हम जो प्राधिकरण जब एक्सपायर हुए थे, अगर ऐसा कोई खाली कुछ भी रहा होता 2022 में एक्सपायर किए हैं, उसके बाद मैं जब अपना नाम करवाने गया यहाँ पे, तब तो इसमें कुछ भी नहीं था, हमारा नाम भी चला, सब जो भी चीज़ मेरा ये है इतना, ये तो हमारा छुटेगा छुटेगा ना। टाइटल नहीं होगा, आप समझो। हाँ, इस कागज का मतलब केवल जो सरकार जो रेवेन्यू 75 पैसे 1 रुपये सब कुछ जमा कराती है ना, उससे मतलब होता है। इसका कोई लीगल मतलब नहीं होता। अच्छा, हाँ, देखने के लिए जरूर होता है कि आदमी को समझ में आता है, लेकिन लीगल नहीं होता। लीगल इतने सारे लोगों के सामने, सारे कैमरे के सामने जो है, हम आपको एक दिन का और मोहलत दे देते हैं। कल तक आप हटा लो कागज पत्र, जो आपको देखना है देख लो, वकील से समझना है समझ लो, उसको मैं रोक रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप साथ में सामान भी हटा लो। परसों हम लोग आएंगे तो फिर बातचीत भी। आइए जानते हैं कि क्या पूरा मामला है और किस तरह से इस मामले को लेकर आगे सुनवाई को लेकर क्या इनकी प्रतिक्रिया है। आपका परिचय, नाम बताइए। मेरा नाम जयप्रकाश राजभर है। ये पूरा मामला क्या है, किस तरह का ये केस है, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। ये मामला वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा अधिकृत की गई जमीन जो मेरी थी 1995 में, जो लगभग मेरा करीब 5.5 बीघा जमीन था, ये पूरी जमीन, पूरी संपत्ति जो हमारे परिवार की कह लीजिए, पूंजी कह लीजिए, वो पूरी पूंजी उस समय ये विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया। और उसमें अधिग्रहण के बाद उसमें जब हम लोगों ने इनसे रिक्वेस्ट किया, हम लोगों ने इनसे प्रार्थना किया, प्रार्थना पत्र के माध्यम से हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि हमारा परिवार बड़ा है, आपने पूरी संपत्ति हमारे लिए, जो पूरे परिवार का
खर्चा इसी पर इसी खेती बाड़ी से चलता है और पूरी खेती होती थी उस 4-5.5 बीघा जमीन के अंतर्गत, और हम लोगों के बच्चों के रहने की जगह नहीं बची है। तो उस समय जो संबंधित अधिकारी जो उस समय यहाँ के जो है BC थे, विकास प्राधिकरण के अधिकारी थे और कमिश्नर थे, उनके माध्यम से एक हम लोगों के बीच में समझौता हुआ कि आपकी जो जमीन है उसमें 33 डिसमिल जमीन आपको छोड़ दी जा रही है और मेरी जो जमीन 4 हिस्सा थी वो अलग से छोड़ दी गई कि वो बच्चों के रहन सहन के लिए, प्लस इसमें क्योंकि बड़ा परिवार था तो उस जमीन को इन्होंने हमारे 1995 समझौता के तहत हमको छोड़ा और उसका हमसे इन्होंने डेवलपमेंट चार्ज भी जमा कराया। जमा करने में हमको देरी हुई तो उन्होंने कहा विलंब शुल्क लगा हुआ है, इसका ब्याज भी आपको देना पड़ेगा। उसका ब्याज 10,734 रुपये हमने जमा किया और उसकी रसीद, दोनों रसीद हमारे पास है। अब हमारा ये प्रकरण चल ही रहा था कि हम पैसे का इंतजाम करें, किसी तरह बैनामा कराएं, और हमारा नाम जो है हमारा मुआवजे का भी बात चल रहा था, क्योंकि हमारा विवाजा हमने मुआवजा भी नहीं उठाया था विकास प्राधिकरण से। हम उस समय लड़ रहे थे कि जब तक हमारी जमीन क्लियर नहीं हो जाएगी हम मुआवजा नहीं उठाएंगे। जब इन्होंने हमको ये संतुष्ट कर दिया कि ये जमीन आपकी 33 डिसमिल और बाकी जो आपको छोड़ा गया 4 हिस्सा जो पहले कब्जे से बाहर है, मतलब पजेशन से बाहर है, उस जमीन को हम जो है आपको मुक्त कर दिए हैं, आप अब इसको रजिस्ट्री करा लीजिएगा। तो हम लोग निश्चिंत हो गए। हम लोग क्योंकि गरीब परिवार था, हमारी पूरी संपत्ति छीन ली गई थी, हमको मुआवजा भी नहीं मिल पाया था, अभी मुआवजे की प्रोसेस में थे। हमारा मुआवजा चूँकि रुक गया था तो उसमें भी लेट हुआ और काफ़ी घर में तमाम चीज़ें रहीं और उसकी समस्याओं की वजह से हम लोग बैनामा जब नहीं करा पाए तो इन्होंने 2002 में हमको फिर से नोटिस जारी किया कि आप इसका लेआउट पास कराते हुए हमको इस ज़मीन को आप अपने नाम से करा लीजिए, ये विकास प्राधिकरण द्वारा। फिर तब तक हमारी जो बुआ जी थी चंपा देवी, गीता देवी, उनका देहांत 2005 में हो गया और उस 5 में होने के बाद चूँकि वो निसंतान थी, हम लोग के परिवार के हमारे परिवार के अंग मालिक थी वो और रहती थी, हम लोग के साथ ही रहती थी, तो उनके मरने के बाद एक भूमाफिया टाइप का व्यक्ति, उस व्यक्ति जो विकास प्राधिकरण में ठेकेदारी भी करता था, भूमाफिया का भी हाथ है, भूमाफिया टाइप का व्यक्ति और ठेकेदारी करता था और वो जो है उसमें इन्वॉल्व होकर के उस विभागी जो कर्मचारियों की मिली भगत से उसमें एक फर्जी वसीयत के आधार पर BDA के अंदर एक दावा दाखिल करता है कि ये संपत्ति जो गीता देवी और चंपा देवी की है उसके उन्होंने हमको वसीयत किया हुआ है, इसे चैलेंज करते हुए BDA में अपना उसको दाखिल करता है। फिर हम लोगों को पता चलता है उसके माध्यम से, तो हम लोग भी उसको चैलेंज करते हैं, कोर्ट के माध्यम से जाते हैं और कोर्ट की कापी हम BDA में जब लगाते हैं तो BDA कहती है कि इसका निस्तारण होने तक प्रोपेट लेकर के आइए और जो जिसको प्रोपेट उच्चतम न्यायालय या न्यायालय देगी हम उसके पक्ष में कार्रवाई उसके नाम में हस्तांतरण करने का काम करेंगे। जब हम लोग प्रोपेट के लिए गए उसका हमारे जो है वाराणसी न्यायालय से खारिज होता है, उच्चतम न्यायालय से भी खारिज होता है और खारिज होने के बाद पुनः 2014 में जब वो आदेश BDA को किया जाता है कि इस पर आप संज्ञान में लेते उचित कार्रवाई करने कृपा करें, फिर तब BDA हमको बिना सूचना के 2014 में उसमें BC थे प्रांजल यादव जी, उन्होंने बिना सूचना के हमको सूचित किए और उसके एप्लीकेशन को खारिज कर जो उच्चतम न्यायालय किया था उसके साथ हमारे उन एप्लीकेशन को भी खारिज करते हुए फाइल को क्लोज कर दिया। इसकी सूचना हमको तक नहीं दी गई और ये भी बताया गया कि नहीं आपको सूचित किया गया है, उसमें फर्जी दस्तखत जो ज्ञानेन्द्र प्रकाश हमारे जो बड़े भाई हैं उनके दस्तखत बना करके वो उसमें फाइल को बंद कर दिया गया और हमको कोई सूचना नहीं दी गई 2014 से हमको आज तक कोई सूचना नहीं मिली है। 2008 में इन्होंने एक बार हमको सूचना दी थी कि आप जब तक ये मामले का निस्तारण नहीं हो जाता ये अस्थायी स्थिति बनी रहेगी, ये किसी के पक्ष में हम करेंगे नहीं, जब न्यायालय का निर्णय आ जाएगा। तो 2008 के बाद BDA ने हमको कोई सूचना नहीं दी, फिर 2014 के बाद भी हमको कोई सूचना नहीं मिली, 2015 में हमने जन अधिकार सूचना के अंतर्गत अभी मुझे ये बताइए कि ये अभी 4-5-10 दिन में अभी जो हुआ है अभी ताजा मामला पूरा क्या है ये भी पूरा बता दीजिए। अभी क्या हुआ वो मामला खारिज होने के बाद ये हमको हमारे पास 3 दिन पर अगर 1 हफ्ते पहले आए बोले कि ये प्रॉपर्टी BDA की हो गई है इसको खाली कर दीजिए, और बड़ी संख्या में लोग आए और पूरा नापने उपने लगे कि भाई आप हमसे जाते हैं और कोर्ट की कापी हम BDA में जब लगाते हैं तो BDA कहती है कि इसका निस्तारण होने तक प्रोपेट लेकर के आइए और जो जिसको प्रोपेट उच्चतम न्यायालय या न्यायालय देगी हम उसके पक्ष में कार्रवाई उसके नाम में हस्तांतरण करने का काम करेंगे।
जब हम लोग प्रोपेट के लिए गए उसका हमारे जो है वाराणसी न्यायालय से खारिज होता है, उच्चतम न्यायालय से भी खारिज होता है, और खारिज होने के बाद पुनः 2014 में जब वो आदेश बीडीए को किया जाता है कि इस पर आप संज्ञान में लेते उचित कार्रवाई करने की कृपा करें, फिर तब बीडीए हमको बिना सूचना के 2014 में उसमें बीसी थे प्रांजल यादव जी, उन्होंने बिना सूचना के हमको सूचित किए और उसके एप्लीकेशन को खारिज कर जो उच्चतम न्यायालय किया था उसके साथ हमारे उन एप्लीकेशन को भी खारिज करते हुए फाइल को क्लोज कर दिया। इसकी सूचना हमको तक नहीं दी गई और ये भी बताया गया कि नहीं आपको सूचित किया गया है, उसमें फर्जी दस्तखत जो ज्ञानेंद्र प्रकाश हमारे जो बड़े भाई हैं उनके दस्तखत बना करके वो उसमें फाइल को बंद कर दिया गया और हमको कोई सूचना नहीं दी गई 2014 से हमको आज तक कोई सूचना नहीं मिली है। 2008 में इन्होंने एक बार हमको सूचना दी थी कि आप जब तक ये मामले का निस्तारण नहीं हो जाता ये यथास्थिति बनी रहेगी, ये किसी के पक्ष में हम करेंगे नहीं, जब न्यायालय का निर्णय आ जाएगा। तो 2008 के बाद बीडीए ने हमको कोई सूचना नहीं दी, फिर 2014 के बाद भी हमको कोई सूचना नहीं मिली, 2015 में हमने जन अधिकार सूचना के अंतर्गत अभी मुझे ये बताइए कि ये अभी 4-5-10 दिन में अभी जो हुआ है अभी ताजा मामला पूरा क्या है ये भी पूरा बता दीजिए। अभी क्या हुआ वो मामला खारिज होने के बाद ये हमको हमारे पास 3 दिन अगर एक हफ्ते पहले आए बोले कि ये प्रॉपर्टी बीडीए की हो गई है इसको खाली कर दीजिए, और बड़ी संख्या में लोग आए और पूरा नापने उपने लगे कि भाई आप कैसे आ गए, हमको बिना सूचना दिए, हमको कोई लिखित सूचना दीजिए, उन्होंने हमको कोई लिखित सूचना दी, उस दिन भी हम लोग आपको कब्जा लेने आए हुए हैं तो हमको लिखित सूचना दीजिए कि आपकी प्रॉपर्टी जो हम लोग जीत लिए हैं हमको खारिज कर दी गई है तो हमको लिखित सूचना मिलनी चाहिए, उन्होंने हमको उस समय भी लिखित सूचना दी। फिर तीसरे 3-4 दिन बाद आए फिर उन्होंने उनसे मांगा गया कि लिखित सूचना दीजिए, फिर उसमें एक जिम्मेदार अधिकारी जो है संयुक्त सचिव आए हुए थे उन्होंने भी कोई लिखित सूचना नहीं दी, बाकी यही कहा कि आप खाली कर दीजिए, इसको हम गिराएंगे, इसको हम कब्जा करेंगे, जबकि हमारा यहाँ से आप सड़क पर देख रही हैं कि पूरा हमारा बना हुआ है, अब पुराने जो है खंडहर टाइप के मकान बने हुए हैं, खंडहर टाइप के पुराने मकान भी हैं और उसमें हमारा जीवन उपार्जन हमारा दुकान भी चलता है और हम अपना जीवन यापन भी करते हैं, हमारा परिवार उसी से हमारा परिवार जीता खाता है, कहा कि ये खाली करना है, जबकि हमने उनसे निवेदन किया कि भैया इसको हमारे पास कोई सूचना नहीं है, आधिकारिक सूचना कोई नहीं है, फिर उन्होंने कहा कि ये आप जाकर बीसी से बात करिए। अब हम लोग बीसी के पास गए, हम लोग जो अपने पास जो कॉपी थी जन सूचना के माध्यम से जो हम लोग मांगे थे 15 में 16 में 17 18 में, हमने कहा सर हमने तो हमारा 14 में खारिज किया आपने, हम 15 में मांगे हैं, हम 16 में जन सूचना के तहत मांगे हैं, हम पत्रों के माध्यम से मांगे हैं, फिर हमको इस जानकारी क्यों नहीं दी गई, फिर बोले कि आपको सूचित किया गया, हम कहें कि ठीक है हमको सूचित कर दिया गया, हमको नहीं मिला, लेकिन हम तो आपसे पुनः मांगे तो उसका जवाब आज तक बीडीए ने हमको नहीं दिया, ये पत्रावली उन्होंने दबा के रखी, भूमाफियाओं के उस जो जाल था उस जाल में ये कर्मचारी मिले हुए थे, इस नाते वो हम लोगों को तक कोई सूचना नहीं मिल पाई, और बीडीए के जो बीसी साहब थे सचिव साहब थे उनसे मिले, उन्होंने कहा कि भाई इसकी जांच हम देख करके देखते हैं, हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों के न्याय हो, हम लोगों का परिवार काफ़ी जो है इससे दुखी है, बहुत डरा धमका हुआ है, बीडीए के लोग अभी भी आते हैं कहते हैं कि इसको आप खाली नहीं कर रहे हैं, खाली कर दिए नहीं गिरा देंगे, ऐसे कुछ अगल बगल के भी रिटायर्ड कर्मचारी हैं जो उसमें शामिल हैं और जो इस बात को जो है हम लोगों को बरगलाने का काम करते हैं और घूम घूम करके यही काम करते हैं कि भैया ये जमीन चिन्हित कर मतलब प्रशासन को या विभाग को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं कि ये चीज़ें जो है उसको गलत गुमराह करके अधिकारियों को बताते हैं और उसको उसमें जो है विवाद पैदा करते हैं। अच्छा ये कितना जमीन है जिसपे वो अवैध कब्जा करना जमीन अभी हमारी 33 डिसमिल, उन्होंने हमारा एग्रीमेंट में कुल 82 डिसमिल का मामला है, इसमें 33 डिसमिल हमारा ऑलरेडी उनसे हमारा डेवलपमेंट चार्ज जमा है, उस लेट फीस भी जमा ही मेरी लेट फीस भी जमी है जमा है और जो है बोर्ड से हमारा वो जो है वाराणसी विकास प्राधिकरण बोर्ड से हमारा वो हमको छूटा था, तो जब बोर्ड ने कोई मामला बनाया तो हमको सूचित क्यों नहीं किया गया। अच्छा मतलब बीडीए का ये कहना है कि वो जमीन उनकी है जी, अभी आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या मांग है प्रशासन? हमारी मांग है कि हमारी मांग जो हमारा 95 का समझौता हमारा और आपके बीच में है तो बिना हमको सूचित किए आप समझौता कैसे खत्म कर दिए, कोई सूचना नहीं हमारे पास है, आप हमको सूचित किए होते, आप हमको बुलाए होते या किसी पत्र के माध्यम से हमको बताए होते, लेकिन 95 अब 8 तक आप हमको लिख रहे हैं पेपर और 14 के बाद हमको कोई पत्र नहीं मिला है। देखिए जिस तरह से भूमाफिया और बीडीए अधिकारी के मिली भगत से इनका जमीन रहते हुए जाली फर्जी जो है कि दस्तावेज तैयार करके सिग्नेचर तैयार करके अपने नाम पर करके अब खाली करवाने का जो है कि दावा ठोक रही है, लगातार घर पे आकर के यहाँ पे धमकी भी दे रही है, यहाँ पे महिलाएं भी है जो डरी सहमी सी है क्योंकि भाई बाल बच्चे वाली है और साथ में लोग कैसे रह रहे
हैं, डर के साए में रह रहे हैं, वह भी काफी है, तो उनसे भी बात करते हैं। आंटी जी बताइए, आपका नाम बताइए। मंजू देवी। क्या दिक्कत हो रही है? हम लोग की जमीन सब मतलब कि बीडीए वाले कब्जा जबरदस्ती कर रहे हैं। क्या कहते हैं बीडीए वाले आते हैं? कहते हैं कि ये हमारे नाम से है। अच्छा, आप लोग के लिए कुछ ऐसा नहीं कहते डराना धमकाना? किस नहीं कहते हैं, आप लोग अपना घर खाली करो नहीं तो हम गिरा देंगे, ये मेरे नाम से है। अच्छा, ऐसे जबरी कहते हैं? हाँ, गाड़ी उड़ी लेकर आते हैं? हाँ, पूरा फोर्स के साथ आते हैं, जेसीबी के साथ आते हैं सब। बताइए, गाड़ी लेकर आते हैं, फोर्स के साथ आते हैं और यहाँ पे महिलाओं को भी धमकाते हैं। देखिए किस तरह से जो है कि माफियाओं का, भू माफियाओं का और बीडीए का किस तरह कितनी बड़ी जो है कि यह मिली भगत से इतने बड़े साजिश को अंजाम देना, एक तरीके से साजिश के तहत ही फर्जी दस्तावेज तैयार करके, सिग्नेचर तैयार करके, और जिनका जमीन है उनका जो है कि पीड़िता के जमीन अपने नाम करने की बात कर रहे हैं और खाली करवाने की बात करें। ये पूरा इलाका हम दिखाना चाहेंगे कि ये आप देख सकते हैं पूरा इलाका जो बना हुआ है, इसको भी तोड़ने की बात करते हैं, खाली कराने की बात करते हैं। ये पूरा जो है कि बगीचा वगैरह टाइप का है, घर टाइप का है, इस सभी को तोड़ने की बात की जाती है और इस वजह से यहाँ का परिवार काफी डरा हुआ है और सरकार से, प्रशासन से गुहार लगा रही है मदद की कि भाई हमारी मदद की जाए और इस तरह के जो जालसाजी इनके साथ रची गई है उससे ये मुक्त हो सके। अंतिमा सिंह, शौर्य न्यूज, वाराणसी।